एससी स्कालरशिप घोटाले के मुद्दे से आप ने सत सिंह धर्मसोत का पुतला फूके रोस प्रदर्शन किया। कैप्टन सरकार के मंत्री सत सिंह धर्मसोत उपर एससी भाईचारे के दलित वर्ग के बच्चों के 64 करोड़ रुपए के वजीफा के घोटाला करने के इल्जाम के अगे ठंडी हो रही है। आम आदमी पार्टी वालों लगातार सरकार के मंत्री सत सिंह धर्मसोत के खिलाफ कार्रवाई कर मंत्रिमंडल में बर्खास्त करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। इस विरोध के चलने पार्टी के वालों अच्छ सत सिंह धर्मसोत के खिलाफ पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके प्रेस नाल गलबात करद आगू ने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार से साधु सिंह धर्मसोत के वालों किए गए 64 करोड़ रुपए के वजीफे 64 करोड़ रुपए के वजीफा घोटाले की सीबीआई जांच में कैप्टन सरकार के वालों सहयोग न देना कित ना कि यह साबित करता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बचाना चाहते हैं। कृपा शंकर सरोज जी ने जिन्होंने रिपोर्ट दी सी साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ, उस तो बाद पंजाब सरकार के ही जिहड़े चीफ सैकटरी सीगे उन्हां दी रिकमेंडेशन दे उत्ते दोबारा उन्हां नू क्लीयर चिट दी गई, परंतु केंद्र दी सरकार ने अपने तौर पर नोटिस लिया साडे धरने मुजाहरियां नू देख के उन्होंने सीबीआई की इनकुआरी की है और अज सीबीआई ने कैप्टन अमरिंदर सिंह तो फाइलों मंगिया ने साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ जड़ी भी कार्रवाई हुई है, इन्होंने वो फाइलों देने तो इनकार किया है। इतों साफ जाहिर होंगे कि साधु सिंह चोर के खिलाफ सबूत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बचाना चाहता, पर मैं थोड़ा दसना चाहना 2022 के सरकार बनन तो बाद सीरी भी और सीरी का मालिक भी इस इनकुआरी के फसन गए और जेलों के अंदर जाएंगे। कैप्टन की क्लीन चिट कोई वैल्यू नहीं रखती, अदालतों के सीबीआई वालों जो इनकुआरी होगी वो बिल्कुल दोषी पाए जाएंगे। अज जो कांग्रेस के भ्रिष्ट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े आम गरीब बच्चों का 64 करोड़ रुपया खा चुके ने, असी पहला भी बहुत लंबे समय तो यह प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अज फिर जदों तक सरकार इन्हों बाहर नहीं करती, इन्हों बाहर करके बेले घर बिठाती नहीं है, असी उदों तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अज भी असी हुण इत्थों शुरू करके सारे नाभे दे विच गली गली जाके इन्हों का प्रोटेस्ट करना है और इन्हों का स्यापा करना है, पिट स्यापा करना है, क्योंकि ये वो लोग ने जिहड़े आम उन्हां गरीब लोगों नूं भरमा के उन्हां तों वोटां लईआं ने ते उन्हां दे बच्चों के ही इन्होंने पैसे खाधे ने। और कांग्रेस सरकार जिहड़ी कि यह कहिंदा है कि मैं अपना कैप्टन साहब का सीरी हाँ, सीरी का मतलब हिस्सेदार, ये हिस्सा बनता है, इस करके इन्हों क्लीन चिटा दित्तियां जांदियां ने। और मैं ये कहांगे असी आम आदमी पार्टी मंग करती है कि इन्हों जल्दी तो जल्दी बाहर करके बेला करके बिठाया जाए। देखो जी, नवजोत सिद्धू नूं अगे करके जिहड़े दोबारा सरकार बनाउण दे इरादे ने वह बिल्कुल नहीं कामयाब होणगे, क्योंकि नवजोत सिद्धू जिहड़ा है ये उत्थे जिहड़ा अपना ताड़ियां मार के हसण जोगे ने, इत्थे आ के कम नहीं कर सकते। जे इन्हां ने कम करना हुंदा 2.5 साल सरकार दे विच रहे ने, जदों करके दिखा आंदे उदों कुछ करदे, हुणे की करनगे। हुणे जिहड़े भ्रिष्ट मंत्री ने, जिहड़े भ्रिष्ट MLA ने, जिहड़ियां दी नकली शराब दीआं फैक्ट्रियां फड़ियां ने, जिन्हां दे होर उत्ते किन्ने दोष लगे ने, अज सिद्धू साहब उन्हां नूं जफ्फियां पाउंदे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने इन्हां दी इलैक्शन नहीं, ये मेरी इलैक्शन है, ये कामयाब नहीं हो सकते। लोगों नूं सारा पता है, कांग्रेस चाहुंदी है कि जिन्ने कम्मां दे विच असीं फेल होए आ उन्हां सारयां दी पंड बन के कैप्टन दे सिर ते रख दिए ते नवजोत सिद्धू दा नवां चेहरा असीं अगे करके सरकार बनाईए। इस तरह हुण लोगों नूं सब कुछ पता है, बिल्कुल सरकार नहीं बनूगी इस तरह। देखो जी, मैं पहला भी कहा भी ये तो जिवें एक कहावत आ, कहिंदे आपे पैरी पैना आपे बुढ़ सुहागण, आपे तो इन्हां ने इनकुआरी लाती कि इहदी जांच की जाऊगी, जांच करके आपे इन्हां नूं इहनूं क्लीन चिट देती। सो इत्थों साबित हुंदा है जिहड़ा हिस्सा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी पहुँचता है और प्रनीत कौर नूं भी पहुँचता है, ये 64 करोड़ रुपया ये ना साहब जी 64 करोड़ रुपया खा गया, ये साढ़े बच्चों की जिंदगी है जिहड़ी वह खत्म कर गया। ये साढ़े हज़ार ही बच्चे ने जिहड़े उन्होंने पढ़ के जिथे अपना भविख बनाउणा सी उत्थे आपदे परिवार का नाम भी रोशन करना सी, पर सरकार दीआं गलत नीतियां कारण साढ़े बच्चे जिथे सिक्ख्या तो वांझे रहे ने उत्थे उन्हां दे परिवार ने जिहड़े उन्हां नूं भी जिहड़ा बहुत सारिया मुसीबतों का जिहड़ा सामना करना पिया। सो कांग्रेस सरकार पॉलिसियां जिहड़ियां बनदियां ने वो लोगों तक नहीं पहुँचदियां, सिर्फ अपनियां जेबां भरन तक मतलब है, होर उन्होंने किसी ना कोई लागा दे गल। देखो जी, सारे लोग नवजोत सिद्धू नूं चंगा कहिंदे सी, पर हुण जिहड़े अज जां कल च जो देखा गया, नवजोत सिंह सिद्धू ने
जिहड़े मदन लाल जलालपुर नूं जफ़ी पाई है उतो साफ साबित हुंदा कि नवजोत सिद्धू जिहड़े उहदे खाण दे दंद ने उह होर ने जिहड़े दिखाउण दे दंद होर ने क्योंकि मदन लाल जलालपुर ने घनौर दे विच तुसीं जा के देख लो घट्टो घट्ट 565 करोड़ रुपये की माइनिंग की है। इहदे नाल ही उन्होंने जिहड़ी नजायज़ शराब दीआं फैक्ट्रियां ला के करोड़ों रुपया दारू तो नजायज कमा के वो अपनी जेब के अंदर किया। सो उहदे नाल नवजोत सिंह सिद्धू दीआं जफ्फियां पाउणियां तां इह साबित लगता है भी नवजोत सिद्धू भी उन्हां दे विच ही है जिन्हां ने अज तक पंजाब नूं खादा कंगाल किया। सो उन्हां नूं जफ्फियां पाउणा यह साबित करता है भी नवजोत सिंह सिद्धू जो लोगों को कहते थे वो है नहीं, ये सिर्फ लोग दिखा। अपना रोस प्रदर्शन कर रहे हैं जिहड़ी 64 करोड़ रुपए की बहुत वड्डी ठगी मारी है साधु धर्मसोध ने, उहदे खिलाफ़ असीं मंग कर रहे हैं पंजाब सरकार तो कि जिहड़ी CBI की इनकुआरी खुली है पंजाब सरकार उहदे विच इनकुआरी दे विच साथ दे और साधु ते कार्रवाई करके इहनूं कैबिनेट दे विचों कढ़िया जाए, इहनूं तुरंत फड़ के जेल दे विच बंद किया जाए। साधु धर्मसोध ने 64 करोड़ नहीं खाधा, उहने पंजाब दे गरीब लोगों की वो जिहड़ी मेहनत की हुई पढ़ाई सी वो खाधी आ। 2 लाख बच्चा जिहड़ा वो अपने एग्जाम नहीं दे सकिया, बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाला अनपढ़ बंदा साधु धर्मसोध, इहदे खिलाफ़ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। अज नाभा दे विच असीं अर्थी फूक मुजहरा कर रहे हैं। मान साहब उनका क्लीन चिट कादी है जी, आपे चोर आपे चतराइयां, किहदी क्लीन चिट है? लोगों के जिहड़े बच्चे रह गए 2 लाख एग्जाम देण तो इस तों वड्डा सबूत होर की है? हुण CBI की इनकुआरी आ गई है तो CBI इनकुआरी दे विच पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही, इस तों वड्डा सबूत होर की चाहिए जी? ये सारे रले हुए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, साधु धर्मसोध, जिन्ने दे कमाऊ पुत ने पंजाब दे विच पंजाब लुट के खा गए। साडी इह मंग है अज नाभा दे विच असीं इस करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हां दे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होवे और खास करके साधु धर्मसोध कांग्रेस लई कलंक बन गया, साधु धर्मसोध कांग्रेस दे पतन दा कारण बन गया पंजाब दे विच, इहनूं तुरंत कैबिनेट दे विचों कढ के इहनूं जेल दे विच बंद किया जाए। कादे ऐलान ने जी, इह ऐलान तां बड़ी देर तो करदे आ रहे, बादल साहब पहली वारी थोड़ा इलैक्शन लड़ रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बन गए बादल साहब, 5 बार मुख्यमंत्री बन तो बाद जी अज तक वो दुनियावी जिहड़ियां मुढ़लियां सहूलतां ने उह नहीं पूरियां कर सके, तां इहदे गप्पां ने जी जिन्नियां मर्जी मार लो। तुसीं 1972 दा मैनीफेस्टो कढ के देख लो, वी सेम है, हुण दा कढ के देख लो, वी सेम है। किसे भी मैं पंजाबी नूं सवाल करना चाहुंदा, पंजाब दे विचों इक बंदा हत्थ खड़ा करके कहे कि अकाली दल ने 5 बार बादल साहब मुख्यमंत्री बनने, कोई इक कम याद है? किसी कोई कम याद नहीं, ये सिर्फ लॉलीपॉप देंदे ने, ये मैनीफेस्टो जिहड़ा लुभावना इस करके देंदे कि साडी सरकार बन जाए, अकाली दल दीआं लत्तां 'च जान नहीं रही, इस करके BSP ने समझौता किया, कांग्रेस ठूठा ठूठा हो गई, आम आदमी पार्टी की चढ़ता 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਗੀ। ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ 3 ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਜੁੰਟ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਜੁੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਰੁਪਏ ਜੁੰਟ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।